घर में भी एक गुरु होते हैं, प्रथम गुरु से कहते हैं सामान्य, कौन? माँ पिताजी। लेकिन एक और आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो गुरु सामान्य नहीं है, वो गुरु ही उस व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देते हैं, सत्य असत्य का मार्ग दिखाते हैं, गलत सही के बारे में बताते हैं। वही गुरु उसके जीवन को परम पवित्र, सदाचारी, निर्मल, शुद्ध, शांत सब कुछ कराते हैं, वो गुरु, आध्यात्मिक गुरु। जब वो व्यक्ति चिंता में, पश्चाताप में डूबा रहता, ये गुरु उस चिंता से ऊपर ऊपर निकालते हैं। दुखों में जब डूबे रहता, दुख से ऊपर निकालते हैं, ज्ञान से। वह गुरु ही कभी कभी डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन से भी बाहर निकालते हैं। मतलब कि जीवन को सुंदर से संवरने के लिए उत्तम तरीका से वो गुरु मदद करते हैं, शीलवान बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं, यहाँ तक कि भव सागर से तरने के लिए मदद करते हैं वो गुरु। वह गुरु अद्भुत है, जिस गुरु के कारण सही मार्ग पर आ गया, जिस गुरु के कारण शीलवान बन गया, उस गुरु का उद्धार कितनी भी सेवा कर ले, कितनी भी मदद करे, कितने भी दान दे, कितना भी कुछ कर ले, पर उस गुरु का उपकार चुकता नहीं, चुकाया नहीं जा सकता। ये भगवान बुद्ध ने बताया।